बेटा बेटा सुनो एक बार। हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे एक मिनट, ये फोन देख लो बेटा, मुझे चलाना नहीं आ रहा। इसको कैसे चलाते हैं बता दो फिर से। यार, कल ही तो सिखाया था आपको कैसे यूज करना चाहिए फोन, कैसे मैसेज करना चाहिए। आप बार बार क्यों भूल जाते हो? अपना दिमाग यूज क्यों नहीं करते हो आप? कितनी बार परेशान करोगे कैसे चलाते हैं, कैसे मैसेज करते हैं? एक बार में सीख क्यों नहीं जाते हो आप? दो अपना फोन दो। हाँ ये लो। ये ऐसे मैसेज करते हैं और इसका रिप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है? अब प्लीज बार बार मत आना मेरे पास पूछने के लिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ये लो। अरे नेक्स्ट डे। वाह मम्मा, ये आपके बॉक्स में ये बुक मिली है। किसकी बुक है ये? ये तुम्हारी बुक है। जब तुम 3 साल की थी ना, तब मैंने तुम्हें ये बुक ला के दी थी। और पता है, तुम्हें E4 एलिफेंट बोलना नहीं आता था। तुम बार बार पूछती थी, मम्मा E4 क्या होता है? मैं बोलती थी, E4 एलिफेंट होता है। तुम फिर पूछती थी, मम्मा E4 क्या होता है? मैं उतने ही प्यार से 10 बार, 20 बार, 30 बार तुमको प्यार से समझाती थी कि बेटा E4 एलिफेंट होता है। अब प्लीज बार बार मत आना मेरे पास पूछने के लिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ये यार, कल ही तो सिखाया था आपको कैसे यूज करना चाहिए फोन, कैसे मैसेज करना चाहिए। आप बार बार क्यों भूल जाते हो? अपना दिमाग यूज क्यों नहीं करते हो आप? आई एम सॉरी माँ। पता नहीं हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं, जिन हाथों ने हमारी उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया, हम उनकी कदर क्यों नहीं कर पाते? हमें पेंसिल पकड़ना आता था, पेन यूज करना आता था? नहीं। फिर भी इतने ही प्यार से ये हमारी उंगलियां पकड़कर हमको पेंसिल चलाना सिखाते थे।